तो आप हम लोग क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन, जो ऊर्ज रिएक्शन के थोड़ा क्या मॉडिफिकेशन वाला रूप है। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन। तो क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन में भी क्या बनेगा? सिमेट्रिकल एल्केन। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल एल्केन। अब देखिए, क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन में सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल क्लोराइड लेंगे और ये एक अल्काइल हैलाइड क्या लेंगे? इथाइल क्लोराइड। देखिए ना, बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड को लेकर आप रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट के रूप में हम मिथाइल क्लोराइड लिए, तो एक और सबस्ट्रेट लेना है। सबस्ट्रेट का कितना मॉलिक्यूल ले रहे थे? दो मॉलिक्यूल। तो ऊर्ज रिएक्शन में दो सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, आज हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे। तब मिथाइल क्लोराइड ले लिए, अब हम एक बार इथाइल क्लोराइड लेंगे, क्योंकि ये हमारा CH2CH3, इसका नाम क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। और ऊर्ज रिएक्शन को प्यार से भाव ये बोलते थे, ऊर्ज रिएक्शन को पूरा होने के लिए रिएजेंट क्या था? सोडियम और ड्राईथर। क्या था? सोडियम और ड्राईथर। तो रिएजेंट के रूप में सोडियम और ड्राईथर लिए। अब देखिए, तो ऊर्ज रिएक्शन क्या बोलता था? एक का डबल। क्या बोलता था? एक का डबल। तो एक मिथाइल है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? दो मिथाइल, मतलब इथेन बन गया। ये हो गया मेरा एक प्रोडक्ट, इससे बन ला लिए। अब इस पर आ रहे दो कार्बन है, तो दो कार्बन का डबल करेंगे तो चार कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या मेरा? दो कार्बन, उधर क्या बनेगा? चार कार्बन। यहाँ बन गया मेरा CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखो, क्लोरीन का नॉन मेटल कितना है? दो, और सोडियम मेटल के रूप में एक है, तो बैलेंस करने के लिए दो से गुना कर दिए। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो दो सोडियम दो क्लोरीन को लेकर भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में दो मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पर देखो, डॉटेड लाइन से इसे निकाले, तो देखो ना, सबस्ट्रेट से मिथाइल को लिए और एक सबस्ट्रेट से इथाइल को लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को ले रहे हैं। तो यहाँ जो बनने वाला एक और मेरा प्रोडक्ट है, वह हो जाएगा मेरा मिथाइल और इथाइल। ये प्रोडक्ट क्या लगा? मीथेन और इथेन। एक और हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो है हमारा CH3, CH2, CH3, और बाय प्रोडक्ट के रूप में दो मोल सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये हमारा क्या है? मिक्स प्रोडक्ट। और जो मिक्स प्रोडक्ट है वही ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। इसका नाम हो गया प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। और इसका नाम क्या हो गया? इथेन। तो इसका नाम हो गया इथेन। और चार कार्बन का ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। और इस सबस्ट्रेट का नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो लैंग्वेज बोलो, two different alkyl halide in the presence of dry ether, then cross product is formed, in which cross product is the major product. तो प्रोपेन हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट। और इथेन और ब्यूटेन हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो वो खासम खास प्रोडक्ट जो भर भर के बनता हो, वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो, वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट हमारा सोडियम और ड्राईथर है। क्या है रिएजेंट? सोडियम और ड्राईथर। ये ना जनरली सो कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाया जाता है, समझ रहे? ऊर्ज रिएक्शन से रिलेटेड था इसलिए पढ़ा। ठीक, तुम्हारा इम्पोर्टेंट कौन है? सिर्फ और सिर्फ
उर्ज रिएक्शन। यहाँ कुछ नहीं किए, एक मीथेन था तो दो मीथेन बना दिए, इथेन बना दिए, और यहाँ तो मेरा इथेन, यहाँ क्या बन गया, ब्यूटेन। अब क्या किए, इस एक कार्बन के अल्काइल को और दो कार्बन अल्काइल को दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए, और मिलाकर प्रोपेन बना दिए। बोलेगा ना रिएक्शन, देखो